उधारी मेरा छोटा भाई है, हम दोनों भाई बहन क्लास को स्टार्ट किए हैं और आज ही ओपनिंग है। बहुत अच्छा लग रहा है, देखते हैं आगे। मुझे पूरा विश्वास है कि उधारी बहुत अच्छा संभालेगा और एक नया मोड़ देगा इस क्लास को। क्या कुछ सिखाया जाएगा? ऐसे तो बहुत सारे मुंबई में एक्टिंग क्लास है, डांस क्लास है, तो आपके क्लास में क्या कुछ अलग होने वाला है और क्या कुछ खासियत है इस डांस क्लास की? नए कलाकारों को कैसे मौका मिलने वाला है, कुछ उनके लिए कंसेशन रहेगा कुछ रहेगा? हमारी क्लास में बहुत ही अलग अलग डांस है, जैसे जुम्बा हो गया, जुम्बा को अलग तरीके से थोड़ा करेंगे हम, बॉलीवुड हो गया और आओ मेरा भाई इधर आओ, बताओ इनको कौन कौन सा करने वाला है। जी प्रणाम जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जो भी मुझे देख रहे हैं उन सबको मेरा प्रणाम। अब पूछिए आपको क्या क्वेश्चन है आपका। आपने एक्टिंग क्लास, डांस क्लास और तमाम एक साथ एक्टिंग क्लास चालू किया, क्या कुछ कहना चाहिए, क्या सोच किया आपने इस एक्टिंग क्लास में एक कलाकार थे? नहीं नहीं सॉरी, मैं सबसे पहले मीडिया को बताना चाहूँगा कि मैंने एक्टिंग क्लास खोला नहीं, हमारे क्लास से एक्टिंग क्लास टाइप है। अच्छा। वो RSP एंटरटेनमेंट है, वो सिखाएंगे, मैं डांस सिखाऊंगा, जो कि आप लोग जानते हैं कि मैं डांस आज करीब 10 साल से मुंबई में मास्टर फिरोज खान सर को असिस्ट कर रहा था, अब इंडिपेंडेंट मैं क्लास ही खोला हूँ। मेरे मास्टर जी भी आए हुए हैं यहाँ पे, वो और दीदी ने भी क्लास का वो किया, ओपनिंग किया, तो यहाँ पर डांस सिखाया जाए, जैसे लाइक कंटेम्प्रेरी हो गया और हिप हॉप हो गया, बॉलीवुड हो गया, लिरिकल हो गया और जुम्बा है, फिटनेस मतलब मिक्स करके कराया जाएगा, योगा क्लास इसमें दिया जाएगा। और रही बात नए लड़कों को, तो हमें आपको पता ही है कि मैं भी बहुत अभी नया ही हूँ, पुराना नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो भी मुझसे जुड़ता है, चाहे मेरे गुरुजी ने यही सिखाया है कि जो लायक हो उसको लायक बनाओ, जो लगे कि हाँ ये कर सकता है, तो उनके लिए बिल्कुल है, आइए मेहनत कीजिए। डांस बहुत आसान भी नहीं है और बहुत कठिन भी नहीं है, मेहनती लोगों का काम है, तो मेहनत करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं और जो भी मेहनत करके जुड़ेगा हमारे साथ, जो मेहनत करेगा उनको आगे ले जाएंगे। डांस की जिम्मेदारी आपको दी गई है, एक्टिंग की जिम्मेदारी किसे दी गई है? एक्टिंग की जिम्मेदारी हमारे हैं देव भैया, ये उनकी है, आइए मैं चाहूँगा उनको मिलाना, देव दुबे जी जो आरा से हैं और मेरे बड़े भाई हैं ये। मैं जब डांस क्लास खोल रहा था तो भैया ने बोला कि डांस तो कर रहे हो तो इसके साथ तुम्हें काम करो, मेरे एक्टिंग क्लास में टाइप करो, तो मैंने बोला कि उसमें क्या क्या होगा भैया, कैसे कुछ मुझे समझाइए कि उसको मेरे जो डांस के बच्चे हैं या और जो हैं उनको क्या फ़ायदा होगा। तो उन्होंने बोला कि देखो डांस के साथ जो एक्टर होंगे उनको एक्टिंग क्लास करना ही होगा, तो मैं एक्टिंग सिखाऊंगा तुम डांस सिखाना, तो इनका एक्टिंग का क्लास होगा तो ये बताएंगे एक्टिंग के बारे में, क्योंकि एक्टिंग तो एक्टर में हूँ लेकिन उतना एक्टिंग के बारे में नहीं जानता, जो अपनी एक्टिंग कर लेता हूँ वही बहुत बड़ी बात है। हाँ डांस के बारे में कुछ क्वेश्चन है तो मैं बता सकता हूँ एक्टिंग के बारे में। मैं आप सब लोग बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ और सबसे बड़ी बात है कि ये जो मेरा भाई है ये दिल का बहुत अच्छा इंसान है और एकता जी जो जिनको दीदी बोलता है उन पर बहुत ट्रस्ट करता है। तो मैंने जब 5 साल पहले अपना प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करा था राजेंद्र स्वरूप प्रोडक्शन, तो मैंने सोचा कि यार प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करने से पहले मैं सोचूं उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो एक्टिंग में आना चाहते हैं, उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, वो सपने लेकर बहुत आते हैं मुंबई में, बट एक्चुअली उनको एक सही दिशा दिखाने वाले इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, बट लाखों रुपए का इंस्टीट्यूट है, बट हमारा एक सिक्योर फिक्स्ड अमाउंट है जो कि मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ, बट बच्चे आएंगे तो उनको मालूम चलेगा। और साथ में इसके साथ जुड़े हुए NSD के टीचर, पृथ्वी थिएटर के टीचर, मतलब फैकल्टीज लाइक माइंड ब्लोइंग है। तो जब मेरी बात हुई अंजनी से यानी उधारी बाबू से, उसने बोला कि भैया मैं अभी डांस क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप मेरे साथ जुड़िए, और मेरा भाई है, खून का रिश्ता नहीं है बट उससे बढ़ के है, बट फिर इसके बाद मैंने सोचा कि हम साथ में स्टार्ट करते हैं, बस आप लोग का साथ चाहिए और दुआ बस। उधारी जी जैसे कि इन्होंने कहा कि इनकी प्रोडक्शन हाउस भी 5 साल पहले इन्होंने शुरू की थी, तो क्या जो इस एक्टिंग क्लास, डांस क्लास जो भी कहे, इनमें जो बच्चे आएंगे उन्हें आपके प्रोडक्शन की तरफ से काम भी दिया जाएगा या कुछ ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल, जब हमारी भैया से बात हो रही थी इस पर, हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, तो इनका कहने का मतलब यही था कि मतलब ऐसा नहीं कि कुछ हमारे पास सीखेगा और जो हमारे पास सीखेगा सॉरी जब हमारा भैया से बात हुआ था, जब हम लोग मीटिंग कर रहे थे, तो यही बात हुआ था कि जो हमारे यहाँ सीखेगा, जो एक्टिंग सीखेगा, उसको हम लोग पहले ज़रूर काम देंगे, हाँ ये नहीं कि एकदम बहुत बड़ा काम देंगे, लेकिन इतना ज़रूर देंगे कि वो समझे कि कैमरा को कैसे फेस किया जाता है, जो कि अब टेक्निकल सीखना बहुत ज़रूरी होता है,
एक्टिंग करना तो बहुत ठीक है, जो एक्टिंग कर एक्टिंग जो मंच पर भी होता है वो जो होता है, लेकिन कैमरा से कैसे खेला जाता है एक्टिंग में, तो वो सब चीज़ें ये कराएंगे एक्टिंग के साथ सिखाते काम दिला के ये सिखाएंगे। तो हमारी बात होगा हम बहुत बड़ा लेकिन नहीं, लेकिन प्रयास यही रहेगा कि बहुत बड़ा भी दें, जो जैसा रहेगा उसको वैसा काम दिया जाएगा पहले, लेकिन छोटी स्टार्टिंग छोटे से ही किया जाएगा, ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि बहुत बड़ा उनको दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ जो जिस लायक रहेगा उसको वैसा काम मिलेगा। मुंबई जैसे शहर में काफ़ी क्लास है, एक्टिंग क्लास है, डांस क्लास है, कई लोग बाहर से आते हैं एक्टर बनने के लिए, कभी धोखाधड़ी के भी शिकार हो जाते हैं, तो आपके लिए क्या है नए कलाकारों के लिए क्या कुछ मौका देना चाहिए? पहली बात तो जो आएगा यूपी बिहार या पूरे भारत में कहीं से, वो उधारी बाबू का नाम सुनेगा तो ऑलरेडी मेरा 4 फिल्में मैं कर लिया हूँ एक्टिंग में एज ए हीरो, और नहीं भी तो कोरियोग्राफी में कम से कम 20-25 गाना ऐसा दिया हूँ जो एक क्वांटिटी नहीं क्वालिटी में गिनी जाती है। तो धोखाधड़ी वाली तो बात हमारे पास है ही नहीं, और हाँ तो मैं आऊँगा आपके पॉइंट टू आ रहा था, धोखाधड़ी जहाँ मिलता होगा तो उन लोगों से बचें, क्योंकि आए दिन यहाँ पर धोखा दिया जाता है, लाखों लोग उतरते हैं यहाँ पर एक्टर और स्टार बनने के लिए, लेकिन बनता कोई गिन चुन के है। तो मेहनत आप लोग सबसे पहले आप लोग चुनिए कि किसके पास जा रहे हैं, उनका बैकग्राउंड देखिए, डिजिटल मार्केट है आज के डेट में, सब दिख जाता है, और ऐसा नहीं कि कोई बता दे वो उनका आंट भी है उनका आदमी, वो ज़माना ख़त्म हो गया सर, हम लोग भी आज यहाँ पर काम कर, डिजिटल ज़माना है, विकीपीडिया का ज़माना है, पूरा बैकग्राउंड आपका निकल जाता है कैसे हो, तो आप लोग जिससे जुड़े सबसे पहले बैकग्राउंड देखेंगे कौन है क्या है। अगर किसी को संपर्क करना है आपके क्लास में ज्वाइन तो कोई करना चाहते हो तो कैसे संपर्क करना चाहेगा, कोई वेबसाइट है? यस, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जस्ट डायल है, गूगल है, ऐसे भी सर है, सब नेटवर्क का काम है। वेलकम सर, थैंक यू, थैंक यू, आशीर्वाद है, मेरा प्यार है कि उधारी भाई खूब आगे बढ़े और खूब नाम कमाए, और ये बच्चे ने वाकई बहुत मेहनत किया है, जो भी इसको जानता होगा व्यक्तिगत तौर पे वो सब जानते हैं कि कितना मेहनत किया है, और आज एक डांस मास्टर के रूप में जाना जा रहा है, तो ये इसकी प्रतिभा और ये इसकी मेहनत है। तो मैं चाहूँगा कि इस क्लासेस से अच्छे अच्छे बच्चे आए और सीखे और सीखकर इस क्लासेस का नाम रोशन करें, मेरी शुभकामना है। अभी आपने कहा कि आप भी आएंगे सीखने के लिए, कौन सा डांस का कौन सा स्टेप सिखाएंगे? हम डांस का सिर्फ एक्सरसाइज सीखने आएंगे, अब हम डांस सीख के क्या करेंगे हमारा जरूरत ही क्या है, लेकिन हाँ कम से कम रहूँगा तो एक बच्चे को सहारा मिलेगा कि चलो भैया यहाँ पे खड़े हैं, वही काफ़ी हम लोग के लिए, बच्चे सीखेंगे, अब हम लोग का उम्र कहाँ रहा सीखने का। बस यही शुभकामना देते हैं कि जैसे ये एकेडमी इन्होंने खोला है और बहुत आगे जाएं, और उधारी अपना बहुत प्यारा भाई है, तो हम चाहेंगे कि जितने लोग हैं हमारे इंडस्ट्री के या जिनके उनके या छोटे बच्चे हैं या कोई भी हो, उस वो आ करके यहाँ पर सीख सकता है, और ये तो सब जानते हैं कि उधारी बाबू का इंडस्ट्री में क्या रोल है, और जो जानते हैं तो यही रिक्वेस्ट है कि एक बार यहाँ पर आ करके ज्वाइन करें और आशीर्वाद दें अपना, और हम यही कहेंगे कि और एक्स्ट्रा यही है कि उधारी बाबू के लिए बहुत सारी चीज़ें, नई नई म्यूज़िक, नई नई चीज़ें हम लेकर के आएंगे जो आप लोग के सामने होगा, तो बस आप लोग का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। हाँ, उधारी को मैं इस नए साल में 2020 में उन्होंने क्लासेस खोला है मीरा रोड में यहाँ पर, तो उसके लिए मैं बहुत ढेर सारा शुभकामना देता हूँ। और उधारी को एक्चुअली मैं बहुत पहले से जानता हूँ, काफ़ी टैलेंटेड, काफ़ी होनहार लड़का है, तो जो ठान लेता है वो बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से करता है, और यहाँ पर फिरोज सर हैं जो उनके बॉस हैं, तो इनके अंडर में मतलब काम किया है, तो ये मतलब कन्फर्म है कि वो आगे जाना ही जाना है, और इसलिए मैं बहुत सारा ढेर सारा शुभकामना देता हूँ कि ये क्लासेस में लोग आएँ और क्लास में अच्छे से लोग सीखें। हाँ जी, मेरा कहना यही है कि अंजनी बाबू यानी उधारी बाबू जो क्लास स्टार्ट किए हैं, डांस क्लास, एक्टिंग क्लास, ये सारी चीज़ें शुरू की है, बाखूबी निभाए और अपने दम पर इसको अच्छे से आगे बढ़ाए, और जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर ज्वाइंट होते हैं उनको बेहतरीन से बेहतरीन टीचिंग करें, अच्छा डांस सिखाए, ताकि वो बाहर निकल के जैसे आज उधारी बाबू मेरा नाम ले रहे, इस तरीके से उनका नाम लोग लें कि उन्होंने फर्स्ट स्टेप डांस क्लास में डांस सीखा है, और उधारी सर का नाम लेके उनका नाम रोशन करें। और मेरी उम्मीद यही है कि उधारी बाबू बहुत अच्छा सिखाएंगे,
बहुत मेहनत करी है, राहुल है, अंकित है, ये दोनों बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं, ये दोनों भी अच्छे मेहनत करेंगे और बच्चे लोग बस यहाँ से सीख के अच्छा कुछ करें, अच्छे मुकाम पे जाएं, नाम रोशन करें एक्टिंग में, डांस में, हर जगह फर्स्ट स्टेप डांस क्लास का नाम रोशन करें। तो मेरी यही शुभकामना है और यही विनती है उधारी बाबू से कि इसको अच्छे से लोगों तक पहुँचाएं और मेहनत करके लोगों को अच्छा डांस सिखाएं। थैंक यू। डायरेक्टर सुजीत वर्मा सर, जिनकी मैं फिल्म किया था बिटिया छठी माई के, जो कि टीवी पे अभी एक नई रिकॉर्ड बना दी है भोजपुरी इंडस्ट्री में, बिटिया छठी माई के, जो यश बिहार ने प्रोड्यूस किया था दीपक सर प्रोड्यूसर थे और यश बिहार ने मुख्य भूमिका अपने को निभाया था और मैं भी था उसमें और ये हैं देव दुबे जी, बहुत अच्छे अभिनेता और जिनकी RSP एंटरटेनमेंट जो ये बैनर है, जो एक्टिंग का पूरा इन्होंने जिम्मा इन्होंने ही लिया है, तो मैं चाहूँगा कि जो भी एक्टिंग का सवाल हो इनसे करें, डांस का हो मुझसे करें और फिल्म जो जो मैं इनके फिल्म में काम किया उनसे पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, सबसे पहले तो मैं आप लोग से एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि जैसे आपने एक सवाल करा था कि धोखाधड़ी या जो भी है इंस्टीट्यूट वाले करते हैं, जो भी है, यहाँ पे आप लोग को एक ट्रस्ट फुली एक हर चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा, लाइक डांसिंग, एक्टिंग, और मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो मुद्दा बन जाएगा, बट इन शॉर्ट में हमारे बच्चे यहाँ से जब पास आउट होंगे तो उनको मैं कहीं ना कहीं किसी प्रोजेक्ट में ज़रूर काम दिलाऊँगा, क्योंकि मेरी पहचान बॉलीवुड से लेके भोजपुरी वर्ल्ड से भी है। और मैं आप लोग को बताऊँगा, मेरा मदर टंग जो है भोजपुरी है, बट मेरा जो प्रोडक्शन हाउस है वो बॉलीवुड का है। तो आप लोग को एक चीज़ की श्योरिटी है कि यहाँ से जो बच्चे पढ़ के बाहर निकलेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करेंगे, मेरा जो RSP एक्टिंग कास्टिंग मीडिया .com पे जाके वो वेबसाइट है www.rspactingmedia.com, उसके बाद www.rajendraswaroopproduction.com, ये प्रोडक्शन हाउस का है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप डांस में जो उधारी बाबू है, इसके साथ मैंने बहुत कुछ प्रोजेक्ट शेयर करूंगा धीरे धीरे आप लोगों के साथ जो स्टार्ट करने वाला हूं। इनका मैंने वीडियो देखा है, इनका काम देखा है, और भोजपुरी का वो जो सबसे अभी हिंदी फिल्म का वो गाना था मेरा अपना टाइम आएगा, उसका एक भोजपुरी इन्होंने वर्जन करा था हमरो टाइम आएगा, उसमें मैंने एक बाइट भी दिया था। वो गाना रियलिटी है कि लोग सोचते हैं गाँव में या शहर में कि बच्चों को क्यों इस लाइन में डालें, ग्लैमर वर्ल्ड है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आप उनको प्रेरित नहीं करोगे, बताओगे नहीं ये ग्लैमर वर्ल्ड है, बट यहाँ पे बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, एक्टिंग हो या डांसिंग हो, खून पसीना बहाकर एक एक्टर सेलिब्रिटी बनता है, एक आम इंसान से सेलिब्रिटी बनता है, तो मेहनत करनी पड़ती है सर। तो बच्चे आएँ, एक्टिंग सीखें, डांस सीखें और अपना नाम रोशन करें, बस मैं यही कहना चाहूँगा।